পার্টি দাও না, এদিকে পার্টি দিক তাই দেবো। অবজারভেশনের পার্টি হিসাবে আমরা একটা প্রোগ্রাম ছিল স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে যে প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামটা আমরা এডিনগর পুলিশ কোয়ার্টার লাইনে বাস্তবায়িত করেছি। জাস্ট ওটা অনুপ্রেরণা দেওয়া সবাইকে, সবাই যেন যে ভারত সরকারের একটা মিশন চলছে। আচ্ছা, কে কে ছিল এই অভিযানে? এখানে আমাদের দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকরা ছিলেন, ডিজি থেকে শুরু করে সমস্ত সিনিয়র আধিকারিক। ঠিক আছে, ঠিক আছে। दस तारीख से 16 तारीख तक मना रहे हैं। इसमें हम विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, जनता के साथ हमारा संपर्क बढ़ाते हैं, हम अपना इंटरनल भी रिव्यू करते हैं। इसी के तहत ये एक हमने कार्यक्रम रखा है कि स्वच्छ भारत अभियान तो ऑलरेडी चल रहा है, पर हम भी इस पुलिस सप्ताह में अपने जो भी ऑफिस हैं या जो भी रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं इनमें सफाई को देखें और उसमें हम अपना योगदान भी दें। और मेरा अनुग्रह है, जो भी ऑफिस हैं या जो भी क्वार्टर्स के रहने वाले हैं, तो अपनी साफ सफाई का ख्याल रखें और हम जो सिस्टम बना रखें उसमें सहयोग भी करें, ताकि आपका आसपास का जो एरिया है वो साफ रहे। एरिया अगर साफ रहेगा तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, अगर गंदगी रहेगी तो बीमारी भी निकलेगी। तो ज़रूरी है कि जो लोग भी जिन ऑफिस में या घरों में रह रहे हैं वो खुद अपनी जिम्मेवारी के साथ में सफाई अभियान को अंजाम दें और अपना एरिया साफ सुथरा रखें। थैंक यू। এবারে উদ্বোধনী সঙ্গীত। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ শ্রী হাউজিং এন্ড কনস্ট্রাকশন উপস্থিত আছেন শ্রী অরিন্দম নাথ।
सामान आ गया, बीएसएफ ले आया उपस्थित आछेन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियार सांबादिक बंधुगण, आछेन पुलिस परिवारेर पश्चिम त्रिपुरा जिला पुलिस कैंटीन प्रथम शुरू है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर श्री सौरभ त्रिपाठी आईपीएस महोदय हमारे मध्य उपस्थित सरकार की टीम है, उसके तहत पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चलाई गई है। इसमें एक सेंट्रल पुलिस कैंटीन बोर्ड है जो कि वेंडर्स को एनालाइज करता है, उनके रिस्क एनालाइज करता है, प्रयोग करता है। बाजार के हिसाब से इसमें बहुत फर्क है। जैसे अभी हमने एक डबर हनी का लिया है, डबल लिया है, 230 रुपये का है और उसमें 80 रुपये का डिस्काउंट है। तो ये एक वेलफेयर स्कीम है कि हमारा जो परिवार है उनको जितना भी फायदा हो जाए, जो भी वो शॉपिंग कर रहे हैं उसमें बाज़ार से तो कोई हमें डिस्काउंट मिलता नहीं है, और ये जो सरकार की तरफ से या कैंटीन की तरफ से फैसिलिटी मिल रही है तो क्यों नहीं यूज़ किया जाए। तो यहाँ पुलिस लाइन्स में हमारे परिवार भी हैं, फैमिलीज भी हैं और ऑफिसेज भी हैं, तो ये एक निर्णय लेगा कि ये सुविधा हमारे फैमिलीज जो है उन तक भी पहुँचनी चाहिए, ताकि जो एक तो इनको पुलिस लाइन्स के अंदर ही फैसिलिटी मिल जाए, दूसरा इनको बाज़ार से कम रेट पर मिल जाए, तो जो भी बचत होगा वो आपका आगे काम आएगा। इसलिए आज एक नया स्कीम के तहत इसको हम लोगों ने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट किया। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.